हेलो एवरीवन, आज हम जिस बुक का रिव्यू करेंगे और जिस बुक को समराइज करेंगे उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड और ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई बुक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो बुक है ये बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर मोस्टली बेस्ड है। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसे स्टार्ट होता है कि जो ऑथर हैं बेसिकली इन्होंने बुक के नाम को रिच डैड पुअर डैड इसलिए लिखा है क्योंकि इनके जो ओरिजिनल डैड थे उनको इस बुक में वो पुअर डैड से रेफरेंस करते हैं और जो इनके फ्रेंड के जो फादर थे वो है रिच डैड। तो मतलब इस बुक का जो नेम है वो बेसिकली रिच डैड पुअर डैड इसलिए है क्योंकि इन्होंने बेसिकली अपने बुक में ये लिखा है कि इन्होंने अपने दो डैड से फाइनेंशियल जो भी सीखी है या फिर फाइनेंशियल फाइनेंस की चीजें जो भी सीखी है वो दो डैड से सीखी है। तो जो इनके ओरिजिनल डैड थे जैसे मैंने पहले कहा वो एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे और जो इनके फ्रेंड के जो डैड थे वो उतने हालांकि एजुकेटेड नहीं थे बट वो रिच थे। तो उनको जो है जो ऑथर है वो उनको रिच डैड से रेफर करते हैं। और इन्होंने जो स्टार्टिंग की जो कुछ कुछ पेजेस हैं उसमें ये लिखा है कि एक जो मेजर रीजन है जिस वजह से जो रिच लोग होते हैं वो रिच होते ही जाते हैं और जो पुअर लोग होते हैं वो पुअर और भी ज्यादा होते जाते हैं और जो मिडिल क्लास है वो हमेशा जो डेट होता है डेट एज इन DEBT जो जो लोन होता है या आप जो भी बोल सकते हैं तो मिडिल क्लास जो है वो डेट में ही स्ट्रगल करता है और सब्जेक्ट ऑफ मनी जो है वो घर पे सिखाई जाती है और ये स्कूल पे सिखाई नहीं जाती है। तो बेसिकली स्टार्टिंग ये है कि जैसे कि ये दो डैड से रेफर करते हैं तो ये लिखते हैं कि एक जो डैड इनके हैं उनका ये हैबिट था बोलने का कि आई कांट अफोर्ड इट और जो दूसरे वाले डैड हैं वो कभी भी ये वर्ड्स को नहीं बोलते थे। इंस्टेड वो ये बोलते थे कि हमें ये पूछना चाहिए कि हम उस चीज़ को अफोर्ड कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन आई अफोर्ड। और ये जो रिच डैड है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ही हम ऑटोमेटिकली ये बात बोलते हैं ना कि आई कांट अफोर्ड इट मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो वर्क करना स्टॉप कर देता है और जब हम ये पूछते हैं कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट तो हमारा जो ब्रेन है वो काम पे लग जाता है। और वो ये भी बोलते थे रिच डैड के हमारा जो ब्रेन है वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरीडे होता जाता है क्योंकि हम उसे एक्सरसाइज करवाते हैं ये बात बोल के। द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स द मोर मनी वी कैन मेक। और वो इस चीज पे ही बिलीव करते थे कि आई कांट अफोर्ड इट या फिर ये बात बोलना कि हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये एक मेंटल लेजीनेस का साइन होता है। प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज जिस तरह से हमारे हेल्थ के चांसेस को अच्छा बनाने में हेल्प करता है उसी तरह प्रॉपर मेंटल एक्सरसाइज भी हमारे वेल्थ के चांसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए काम सिर्फ इसलिए मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए काम नहीं करता है जनरली क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल पे जाते हैं और कभी भी ये नहीं सीखते हैं कि हाउ मनी वर्क्स मतलब पैसा कैसे काम करता है। तो इसलिए ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं पैसों के लिए काम करने के लिए। अब आते हैं, अभी तक जो भी मैंने बताया वो जस्ट इंट्रोडक्शन था। तो अब आते हैं इस बुक के मेन चैप्टर्स में। तो बेसिकली ये जो बुक है ये कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स में डिवाइडेड है। बेसिकली ये बुक 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 9 चैप्टर्स है इस बुक में। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जिसमें ये बोला गया है कि लेसन 1 ये है कि जो अमीर लोग हैं द रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी मतलब रिच लोग जो है वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं और जो पुअर एंड मिडिल क्लास लोग हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम मतलब कि बेसिकली जो रिच लोग होते हैं उनके लिए पैसे काम करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस इस चैप्टर में बताया गया है। और इसमें ये भी लिखा है कि जो ऑथर के जो मेन डैड हैं जो पुअर डैड हैं वो हमेशा उनको ये बात बोलते थे कि अगर हमें कुछ भी चाहिए है तो हमें उस चीज़ के लिए काम करना चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट समथिंग वर्क फॉर इट। और इन वन ऑफ द पेजेस मैंने ये देखा कि विजडम दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम डिसाइसिवनेस। तो इसमें ये लिखा गया है कि जो दुनिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। स्टॉक मार्केट ट्रेड्स जो हैं वो मिली सेकेंड्स में इन चीज़ों के डिसीजन ली जाती है। जो डील्स होते हैं वो कम एंड लाइक डील्स कम एंड गो द इंटरनेट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स मतलब जो भी डील्स होते हैं वो बहुत बार बहुत जल्दी में या फिर इन अ मैटर ऑफ मिनट्स में ही सारे डील्स फाइनलाइज हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो है अच्छी डील्स के लिए कम्पीट करते हैं। तो इसलिए हम जितना जल्दी एक डिसीजन बना सकते हैं उस इस बात से ये भी हो सकता है कि हम जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ को भी हासिल कर सकते हैं इसके पहले कि कोई और उन अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर ले। तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है और हम उस डिसीजन को कितना एक्यूरेटली और कितना जल्दी कर पा रहे हैं इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। लाइफ जो है वो बेस्ट टीचर है हर चीज़ों के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम
लाइफ जो है आपको वो हर बात आपको बताता नहीं है, लेकिन बहुत बार लाइफ जो है वो हमें उन चीज़ों के लिए अपने आप ही पुश कर देता है. ईच पुश इज लाइफ सेइंग वेक अप, मतलब उठो, देर इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू लर्न. मतलब लाइफ जो है वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए पुश करता है और हमेशा हमेशा हमें ये बताता है खुद के यू नो लाइफ का जो होता है अप्स एंड डाउन्स के, तुम उठो और सीखो, मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ. अगर हम लाइफ के लेसन्स को अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में. अगर हम नहीं सीख सकते हैं तो लाइफ जो है वो हमें बार बार धक्का मारता है या फिर हमें पुश करता है सीखने के लिए जो भी लेसन्स लाइफ हमें सिखाना चाहता है. अगर हम रिच डैड जो हैं वो ऑथर को ये भी बात बताते थे कि अगर हम उस तरह के इंसान हैं जिसमें कि कोई भी हिम्मत नहीं है, कोई भी गट्स नहीं है और हम हमेशा गिव अप कर देते हैं, तो या फिर हम हमेशा लाइफ को ऐसे जीते हैं जैसे कि यू नो हर चीज़ में हम बहुत सेफ प्ले करते हैं, हर चीज़ें बहुत सही तरीके से हमेशा करना चाहते हैं और हमेशा हम किसी पर्टिकुलर इवेंट या किसी सिचुएशन के लिए अपने आप को सेव करके रखते हैं और बहुत सोच सोच के समझ समझ के अगर हर कुछ करते हैं, तो ये बहुत हाई चांसेस होता है कि हम एक बोरिंग लाइफ जी के और एक बोरिंग इंसान भी बन जाएंगे. और इस बुक में ये भी ऑथर ने लिखा है कि हम जैसे ही ये चीज़ रियलाइज कर लेते हैं और के प्रॉब्लम जो है वो हम ही हो सकते हैं या फिर हमारे अंदर ही प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर हम अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ एक्शन ले सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और हम वाइज बन सकते हैं. लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उनको हर चीज दुनिया में चाहिए लेकिन वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं. और सबसे आसान ये होता है कि हम अपने आप को बदलें ना कि दूसरों को बदलें. टाइमलेस रिच डैड का विजडम ये भी है कि एसेट्स ओवर इनकम. अगर हम अगर हम किसी एसेट को खरीद रहे हैं या फिर किसी एसेट को बिल्ड कर रहे हैं जो कि हमें कैश फ्लो दे रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने पैसों को लगा दिया है कि वो हमारे लिए काम करे. हाई पेइंग जो जॉब्स होती हैं दुनिया में वो उसका दो मतलब होता है कि नंबर वन ये होता है कि हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं और दूसरा ये होता है कि जो टैक्स हम पे कर रहे हैं दैट विल प्रोबेबली इंक्रीज, क्योंकि जितना आपका इनकम बढ़ता है उतना ही टैक्स भी बढ़ता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं. तो इसलिए रिच डैड का ये था, रिच डैड का यू नो ये टीचिंग है कि उनको हमेशा से जो उनके पैसे हैं दैट शुड वर्क फॉर हिम, पैसे उनके लिए काम करें और जो टैक्स बेनिफिट्स होते हैं वो जनरली कम हो जाते हैं जब हमारा जो कैश फ्लो है या फिर जो हमारा एसेट्स है उससे हमें कैश फ्लो मिल रहा होता है. इसमें फिर एक ये भी स्टोरी है कि रिच डैड जो है जो ऑथर है वो ऑथर और उनके जो फ्रेंड थे माइक, ये दोनों बेसिकली यू नो उनको फाइनेंशियल चीज़ें सीखनी होती हैं रिच डैड से. तो रिच डैड जो है वो उनको अपने ही जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पे बहुत ही कम पैसों में इन दोनों को काम पे लगाते हैं. और ये जो ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, ये कहीं ना कहीं अपने काम से खुश नहीं थे और इसमें बहुत अच्छे से इस बुक में स्टोरी मेंशन है कि वो काफ़ी कम पैसों में, पहले तो उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी और जो उनके फ्रेंड थे माइक वो दोनों काम करते थे, बट जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी ही वॉज नॉट हैप्पी क्योंकि वो जो है वो बेसिकली रिच डैड के पास इसलिए गए थे ताकि उनको कोई फाइनेंशियल चीज़ों की समझ जो है वो बढ़े, लेकिन जो रिच डैड है वो उनको बैठा के ऐसे जो सिखाते हैं ही वॉज नॉट डूइंग दैट. वो उनको बस सिंपली बहुत ही कम पैसों में अपनी जगह पे काम पे लगाया था और रॉबर्ट कियोसाकी जो है उनको ये लगता था कि मैं तो यहाँ पे आया था सीखने के लिए कुछ, बट इन्होंने तो मुझे बहुत ही कम वेजेस पे काम पे लगाया है. तो फाइनली वो जाके कंप्लेन करते हैं कि मतलब मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत कम पैसों पे काम पे रखा है और आप मुझे कुछ लेसन्स भी नहीं सिखाते हैं. तो उसमें फिर रिच डैड जो है वो ये बोलते हैं कि रिच डैड खुश होते हैं कि फाइनली रॉबर्ट कियोसाकी गुस्सा हुए और उन्होंने सिंपली जो अपना काम था जो 10 सेंट्स पर आर में जो वो काम करते थे उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया. और वो ये भी बोलते हैं कि जो ट्रू लर्निंग होता है दैट टेक्स एनर्जी पैशन एंड अ बर्निंग डिजायर. रिच डैड ये भी बताते हैं कि इट्स द फियर दैट कीप्स मोस्ट पीपल वर्किंग एट अ जॉब. अगर मतलब बेसिकली जो है डर होता है जिस वजह से लोग ज़्यादातर जॉब करते हैं. लोगों के पास ये फियर होता है कि वो अपने बिल्स पे नहीं कर पाएंगे या फिर ये डर होता है कि जो जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं वो उनको वहाँ से काम से निकाल देंगे, या फिर ये डर होता है कि उनके पास इनफ पैसे नहीं होंगे, या फिर ये डर होता है कि वो दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. तो इस वजह से, इतने सारे डर के वजह से अक्सर जो लोग हैं वो अपने जॉब को कंटिन्यू करते हैं. और रिच डैड ये भी बताते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो दे हैव बिकम अ स्लेव टू मनी, ओके, एंड फिर जो है वो अपने जो बॉस होते हैं उन पर वो गुस्सा करते हैं एम्प्लॉयज. रिच डैड ये भी बताते हैं कि ज़्यादातर लोगों की लाइफ जो है वो हमेशा दो इमोशन से कंट्रोल होती है, वो एक होता है डर और दूसरा होता है लालच. पहला डर ये होता है कि उनके पास पैसे नहीं होंगे और जब पैसे नहीं होने का डर होता है तो ये चीज़ उनको मोटिवेट करता है कि वो और भी ज़्यादा हार्डवर्क करें. और फिर
जब उनको फाइनली जो उनका पेचेक मिलता है, तो फिर सेकेंड इमोशन जो जाता है वो होता है लालच का, या फिर डिज़ायर होता है, जो कि हमें ये सोचने में मजबूर कर देता है कि दुनिया में जितनी भी वंडरफुल चीज़ें हैं वो पैसों से खरीदी जा सकती है। और फिर ये फियर एंड ग्रीड का जो ये साइकिल है, ये इस वजह से एक पैटर्न बन जाता है। पैटर्न क्या होता है कि हम रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ काम पे जाते हैं, अपने बिल्स पे करते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर जाते हैं काम पे, एंड देन अगेन वी कीप पेइंग आवर बिल्स। तो पीपल्स लाइव्स, जो जिंदगी है लोगों की, वो हमेशा के लिए फॉर एवर कंट्रोल हो जाता है यही दो इमोशन से। जब भी इसलिए जब भी लोगों को और ज़्यादा मनी ऑफर किया जाता है, तो फिर वो ये साइकिल को कंटिन्यू करते जाते हैं, और जो उनका एक्सपेंसेस है और जो उनका स्पेंडिंग है वो भी बढ़ जाता है। तो इसको ऑथर जो है वो रैट रेस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द रैट रेस। ऑथर ये भी बोलते हैं कि जो ये डर है ना, जिस चीज़ के बारे में अभी ऑथर ने लिखा है, तो बेसिकली लोगों को ये लगता है कि जो पैसे हैं दैट विल यू नो उनको आराम देगा इस डर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो पैसों का डर होता है ये कंटिन्यूसली उन लोगों को हॉन्ट करता है, और फिर ये जो साइकिल है काम पे जॉब पे जाने का और ये होप करने का कि पैसे जो है उनके डर को ख़त्म कर देगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। फियर जो होता है वो अक्सर लोगों को इस ट्रैप में ही रखता है कि हम काम करें पैसे कमाएं और फिर काम करें फिर पैसे कमाएं और ये जो डर है ये चला जाएगा। लेकिन हर दिन बेसिकली लोग उठते हैं और फिर यू नो जो पुराना डर होता है उनका वो कंटिन्यू ही रहता है। ऑथर ये भी रिच डैड ये भी बताते हैं कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत काम करते हैं, और हालांकि उनके पास काफ़ी पैसे हैं स्टिल वो काफ़ी काम करते हैं, एंड देन वो ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनके पास मिलियंस हैं अभी, लेकिन वो अभी ज़्यादा डरे हुए हैं रादर देन जब वो गरीब थे। तो वो बहुत डरे हुए इसलिए होते हैं कि उनको डर होता है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये जो उनके अंदर का डर होता है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, जैसे ही वो और भी ज़्यादा रिच होते जाते हैं। वो अपने बड़े बड़े जो घर उन्होंने बनाए हैं वो उसको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, जो उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी हैं उसे वो लूज़ नहीं करना चाहते हैं, और वो ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फिकर करते हैं कि उनके दोस्त ये बात बोलेंगे कि यू नो आपने अपने सारे पैसे गवा दिए। रिच डैड ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे जो रिच लोग होते हैं वो इमोशनली काफ़ी डेस्परेट और न्यूरोटिक भी होते हैं, हालांकि वो दिखने में रिच लगते हैं और उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं उसके बावजूद भी। रिच डैड ये भी बोलते हैं कि अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो और रिएक्ट मत करो अपने इमोशंस के ऊपर। रिच डैड ये भी बोलते हैं माइक को और रॉबर्ट को कि वो हमेशा वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि फियर एंड डिज़ायर को जो फियर एंड डिज़ायर होता है वो लाइफ का बिगेस्ट ट्रैप होता है अगर हम उसे अवेयर नहीं हैं तो। और अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी इस डर में गुजार दें जो पैसों वाली बात जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, और हम कभी भी अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर नहीं करें तो ये क्रुएल्टी होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं पैसों के लिए और ये सोच रहे हैं कि पैसे हमें वो सारी चीज़ें दे देंगी जिससे कि हमें खुशी मिले, ये भी एक क्रूअल वाली ही बात होती है। या फिर ऐसा भी होता है कि मिडिल ऑफ द नाइट में हम जाग गए हैं और हमें बहुत टेंशन हो रहा है कि हम अपने बिल्स कैसे भरेंगे, ये भी एक सही तरीका नहीं है जिंदगी को जीने का। टू लिव अ लाइफ डिक्टेटेड बाय द साइज ऑफ अ पेचेक इज नॉट रियली लिविंग अ लाइफ। ये सोचना कि एक जॉब वो हमें सिक्योरिटी दे देगा ये अपने आप से झूठ बोलने के बराबर होता है और ये क्रूअल भी होता है। इसलिए रिच डैड रॉबर्ट को एंड माइक को यही सलाह देते हैं कि इन दोनों चीज़ों से बच के रहो, जो कि है एक तो अभी जिस चीज़ को एक्सप्लेन किया है वो बेसिकली फियर के ऊपर ही है। तो ये वो बोल रहे हैं कि डोंट लेट मनी रन योर लाइफ। टाइमलेस रिच डैड का एक और भी विजडम है जो कि इमोशंस एंड इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। रिच डैड ये बोलते हैं कि वो हमेशा कॉन्स्टेंटली काम करते थे, कंट्रोल करते थे अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को, और उन्होंने ये भी देखा है कि जैसे ही हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो गिर जाती है। रिच डैड ये भी बोलते हैं कि जैसे ही मतलब जितना जल्दी हम ये चीज़ भूल जाएँ कि हमें पे चेक चाहिए तो उतना ही इजी हमारी एडल्ट लाइफ हो जाती है, और हमें हमेशा अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत बार अगर हम फ्री में काम कर भी लेते हैं तो बहुत जल्दी हमारा माइंड जो है वो अलग अलग हमें तरीके बताता है फॉर मेकिंग मनी, ठीक है, जो कि बहुत आगे पड़ जाता है देन यू नो जहाँ पे आपको कहीं पर से एक फिक्स्ड पेचेक मिल रहा है। बहुत बार अगर जब भी हम फ्री में काम करते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो कि बाकी लोग जो फिक्स पेचेक या जॉब के लिए काम करते हैं वो नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे लोग ये अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो हमेशा सिर्फ पैसों को ही देखते हैं, पैसों के पीछे ही भागते हैं, सिक्योरिटी चाहिए होती है उनको और उनको सिर्फ वही मिलेगा पैसे, और उनको एक सेफ एंड सिक्योर एंड एक फिक्स्ड पेचेक मिलेगा। लेकिन जैसे ही जब आप फ्री में कुछ कर रहे हैं और आप अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं तो आपको
अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है हमेशा अपनी सारी जिंदगी के लिए। तो रिच डैड यही बताते हैं कि इन चीजों को सीखना चाहिए और जो रैट रेस है वो लाइफ का जो बिगेस्ट ट्रैप है उससे हम बच सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो क्यों जरूरी है सिखाना। इसमें रिच डैड ये बताते हैं या फिर ऑथर ये लिखते हैं कि इट इज नॉट कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप कितने पैसे जो कमा रहे हैं वो आप कितने पैसे अपने पास रख रहे हैं। इट्स नॉट हाउ मच यू मेक, इट्स हाउ मच यू कीप। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं इस चीज़ को रियलाइज होने में कि आप कितने पैसे जो कमा रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप कितने पैसे रख रहे हैं। हम सब ने ही बहुत सारे लॉटरी विनर्स की स्टोरी सुनी होगी जो कि आज के डेट में फिर से गरीब हो चुके हैं, ठीक है। मतलब या तो वो पहले गरीब थे, फिर वो सडनली लॉटरी से जीत के बहुत अमीर हो गए, और फिर वो बहुत गरीब हो गए फिर से। वो लोग बहुत बार मिलियंस में भी जीत लेते हैं और बहुत ही जल्द वो वापस वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब वो वापस से बहुत गरीब हो जाते हैं। या फिर आपने प्रोफेशनल एथलीट्स के बारे में सुना होगा जो कि बहुत कम एज में काफी मिलियंस कमाते हैं, लेकिन 10 साल के बाद वो फिर से कोई किसी ब्रिज के नीचे सो रहे होते हैं। रिच डैड ये भी बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने ये भी देखा है कि वो इंस्टेंटली मिलियनियर्स बन गए हैं, और रिच डैड उनको ये भी मशवरा देते हैं जो लोग कॉन्स्टेंटली रिच बन रहे होते हैं पहले धीरे धीरे करके जो भी रिच हो रहे होते हैं, तो रिच डैड उनको ये भी कॉशन करते हैं या फिर ये भी उनको एडवाइस देते हैं कि इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, आप अपने जनरेशन के लिए कितना रख रहे हैं ये भी मैटर करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने के लिए पहला रूल ये है, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड अ लायबिलिटी एंड बाय एसेट्स। तो रिच पीपल जो है वो एसेट्स को अक्वायर करते हैं, वो एसेट्स को खरीदते हैं। पुअर एंड मिडिल क्लास जो होते हैं वो लाइबिलिटीज को अक्वायर करते हैं, और लेकिन वो ये गलती करते हैं समझने में कि ये एसेट है। अब हम एसेट और लाइबिलिटी के मेन डिफरेंस को जानेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरऑल इस चैप्टर का। एसेट वो चीज़ होता है जो हमारे पॉकेट में पैसों को डालता है, एंड एसेट पुट्स मनी इन आवर पॉकेट। लाइबिलिटी क्या होता है, जो कि पैसों को हमारे पॉकेट से निकालता है। A liability takes money out of our pocket. ये golden rule है asset और liability के difference को समझने के लिए। Rich जो है वो assets को acquire करते हैं और poor and middle class liabilities को acquire करते हैं। अभी इस diagram में cash flow pattern दिखाया गया है asset का, जिसमें income statement है जिसको कि दो part में divide किया गया है income और expenses में, और एक balance sheet बनाया गया है जिसमें कि assets and liabilities हैं। तो basically assets जो भी हमारे होते हैं वो हमारे income statement में add करते हैं value या फिर cash, और liability के cash flow pattern को बताया गया है। तो liability का cash flow pattern again income statement, income and expenses में divided है, और balance sheet भी assets and liabilities में divided है। तो होता ये है cash flow का जो liability का जो cash flow है वो ये होता है कि liabilities जो है वो directly connected होता है हमारे expenses में, मतलब liabilities जो है वो हमारे pocket में income नहीं डालता है, वो एक्सपेंसेस हो जाता है हमारे लिए। एसेट एक ऐसा चीज़ होता है जो कि हमारे पॉकेट में पैसे डालेगा अगर हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लाइबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि पैसों को हमारे पॉकेट से निकालता है। अगर हमें रिच होना है तो उसका सिंपल रूल यही है कि हमें अपनी लाइफ को ऐसे स्पेंड करना है कि हम एसेट्स को या तो खरीद लें या फिर एसेट्स को बिल्ड करें। और अगर हमें पुअर या मिडिल क्लास ही रहना है अपनी सारी ज़िंदगी, तो फिर ये होता है कि जो पुअर एंड मिडिल क्लास होते हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी लाइबिलिटीज़ को ही खरीदने में ही लगा देते हैं। रिच डैड ये भी बोलते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल में फाइनेंशियल स्किल्स, मतलब बेसिकली ये स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, फाइनेंशियल जो स्किल्स होती है वो स्कूल में सिखाई नहीं जाती है, और मिलियंस ऑफ एजुकेटेड पीपल जो है वो अपने प्रोफेशन को परस्यू करते हैं सक्सेसफुली, लेकिन लेटर ऑन इन देयर करियर वो अपने आप को हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग ही देखते हैं। वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए इसमें क्या रीज़न होता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो स्कूल में उनको नहीं सिखाई जाती है। उनको स्कूल में सिर्फ यही सिखाया जाता है कि हाउ टू मेक मनी, पैसे कैसे कमाने हैं, लेकिन पैसों को मैनेज कैसे करना है ये चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। इस चीज़ को रिच डैड ने फाइनेंशियल एप्टीट्यूड बोला है कि व्हाट यू डू विद द मनी वंस यू मेक इट एंड हाउ टू कीप पीपल फ्रॉम टेकिंग इट फ्रॉम यू, और पैसों को ज़्यादा लंबा कैसे रखा जाना चाहिए, और जो पैसे आपने कमाए हैं हाउ टू मेक इट वर्क फॉर यू। ज़्यादातर लोग ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो कैश फ्लो को समझ नहीं पाते हैं। एक इंसान बहुत हाईली एजुकेटेड हो सकता है, बहुत प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन वो फाइनेंशियली बिल्कुल इलिटरेट हो सकता है। इस टाइप के जो लोग होते हैं वो पैसों के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जितना शायद ज़रूरी भी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने स्कूल में सीखा ही यही होता है कि हार्ड वर्क कैसे करना है, बट वो पैसे उनके लिए कैसे काम खुद ब खुद करे ये चीज उन्होंने शायद नहीं सीखी होती है स्कूल में। रिच डैड ये भी सिखाते हैं कि जैसे ही किसी का इनकम बढ़ता है तो फिर एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं,
और इस बुक में एक एग्जांपल भी दिया गया है एक यंग कपल का, जिसके कि इनकम में इंक्रीमेंट होता है, और फिर क्योंकि वो यंग होते हैं तो वो घर खरीदने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि घर खरीदना एक मेन ड्रीम होता है, और फिर वो घर जो है वो लोन से ले लेते हैं, और फिर उनके पास एक न्यू टैक्स भी आ जाता है जिसको प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं, फिर वही यंग कपल एक न्यू कार भी ले लेते हैं, न्यू फर्नीचर भी ले लेते हैं, और न्यू अप्लायंसेस भी ले लेते हैं जो कि उनके न्यू घर के साथ मैच हो जाए। ऑल ऑफ अ सडन वो ये देखते हैं कि उनका जो लायबिलिटीज कॉलम है वो फुल हो चुका है। किस चीज़ से फुल हो चुका है? अपने होम लोन की वजह से, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के वजह से उनका लायबिलिटीज वाला जो कॉलम है वो बहुत ऊपर हो जाता है, और इसी चीज़ को रैट रेस बोला जाता है, जिसमें एक कोई भी कपल ट्रैप हो सकता है। मतलब ये जो कपल का एग्जांपल दिया गया है ये बेसिकली एक रैट रेस में ट्रैप हो चुका है। प्रिटी सून वो जो यंग कपल होता है उनका बेबी भी आ जाता है, और फिर वो यंग कपल और भी ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है। हायर इनकम, हालांकि वो हायर इनकम कमाते हैं, उसके वजह से टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं, और फिर क्रेडिट कार्ड पे भी फिर वो ले लेते हैं, और फिर वो क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल मैक्स तक भी यूज़ कर लेते हैं, और फिर बहुत बार ये होता है कि क्योंकि क्रेडिट कार्ड के मैक्स वैल्यू को उन्होंने यूज़ कर लिया होता है, तो जो लोन कंपनी होती है या फिर जो लोन कंपनी उन्हें कॉल करती है एंड दे से देयर ग्रेटेस्ट एसेट देयर होम has appreciated in value। और फिर एक काफी लंबा चौड़ा इसमें प्रोसेस बताया गया है, वो मैं इसमें भी शेयर नहीं कर रही हूँ। इसमें एक और भी लाइन लिखी गई है कि इफ यू फाइंड यू हैव डग योरसेल्फ इनटू अ होल देन स्टॉप डिगिंग इट। डर एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिस वजह से सब लोग यही बोलते हैं कि तो प्ले इट सेफ। That goes for anything, be it sports, relationships, careers or money. Rich Dad का एक और wisdom है, वो ये भी है कि आपके टीम में कौन कौन है। Rich Dad हमेशा अपने आप को सराउंड करते थे उन लोगों के साथ जो स्पेशलिस्ट होते थे, जो अटॉर्नीज होते थे, अकाउंटेंट्स, ब्रोकर्स एंड बैंकर्स होते थे, और उनके जो टीम होते थे एडवाइजर्स के, वो ही उनके ग्रेटेस्ट एसेट्स होते थे। इसमें एक और भी चीज लिखी गई है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, एन एंटरप्रेन्योर्स टीम, एन इंटेलिजेंट पर्सन हायर्स पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट देन ही इज। एक इंटेलिजेंट इंसान जो होता है वो अपने से भी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन को हायर करता है। चैप्टर नंबर 3 में माइंड योर ओन बिजनेस। रिच जो है वो अपने एसेट कॉलम में ही फोकस करते हैं, जबकि बाकी सारे लोग अपने इनकम स्टेटमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल इसलिए भी रिजल्ट करता है क्योंकि लोग अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करने में गुजार देते हैं। इस बुक में ये भी लिखा गया है कि स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस। अपनी जो डे टाइम जॉब है उसको आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन साथ ही साथ में आप रियल एसेट्स को बाय भी कीजिए, लाइबिलिटीज को बाय नहीं कीजिए। और ये भी फैक्ट लिखी गई है कि हम जैसे ही कोई गाड़ी खरीदते हैं तो इवन जो न्यू कार भी होती है वो भी अपनी वैल्यू 25% ऑफ द प्राइस जो होता है वो लूज कर देता है जैसे ही हमने उसको परचेज कर लिया होता है। एक ये भी तरीका है कि आपको अपने एक्सपेंसेस को लो रखना चाहिए, अपने लाइबिलिटीज को कम करना चाहिए, और डिलीजेंटली अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहिए। रियल एसेट्स जो है वो कुछ कुछ चीज़ों के कैटेगरीज में फॉल करती है। उसमें से एग्जांपल ये है, नंबर 1 बिजनेसेस, जिसमें कि हमारी बिल्कुल प्रेजेंस जो है वो जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम उस बिजनेस को ओन करते हैं और वो मैनेज होती है दूसरे लोगों से वो मैनेज होती है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे काम कर रहे हैं तो फिर वो बिजनेस नहीं हुआ, वो फिर मेरा जॉब हो गया। नेक्स्ट रियल एसेट होता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स और इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी है जिससे कि आपको इनकम आ रहा है या फिर रेंटल इनकम आ रहा है। एंड देन रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि म्यूजिक हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, या फिर पेटेंट्स हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू है, जो कि इनकम प्रोड्यूस कर रही है और वो अप्रिशिएट हो रहा है, मतलब उसका जो वैल्यू है, प्राइस है, वो बढ़ रहा है और जिसका एक रेडी मार्केट अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीजें रियल एसेट्स में फॉल करती है। चैप्टर 4 है हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। इस चैप्टर में बेसिकली टैक्सेस कैसे इनकॉर्पोरेट हुआ था वो चीज बताई गई है। तो ऐसे हुआ था कि जो पुअर लोग थे उनको ये बोला गया था, पुअर एंड मिडिल क्लास को ये बोला गया था कि टैक्सेस जो है वो रिच को पनिश करने के लिए इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, एंड दिस इज हाउ जो पब्लिक है या फिर जो मासेस है पब्लिक की, उन्होंने टैक्स के लॉ के लिए वोट किया था, और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली इस चीज को लीगल किया गया था। 1913 में इनकम टैक्स की जो रूल है उसको परमानेंट किया गया था इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद द अडॉप्शन ऑफ 16th अमेंडमेंट टू द US कॉन्स्टिट्यूशन। 50 साल लग गए थे इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक रेगुलर इनकम टैक्स के आइडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए। और ये कैसे किया गया था वो अभी आपको मैंने बताया कि पुअर एंड मिडिल क्लास को ये बोला गया था कि टैक्सेस इसलिए लेके आई जा रही है ताकि रिच को पनिश किया जा सके। बट एक्चुअली में ये हुआ कि ओरिजिनली कॉन्सेप्ट तो यही था कि रिच को ही पनिश किया जाएगा, लेकिन इन रियलिटी पुअर एंड मिडिल क्लास के ऊपर भी इनकम टैक्स का रूल को इनकॉर्पोरेट किया गया था, और अल्टीमेटली
यू नो इससे पुअर एंड मिडिल क्लास लोगों ने भी सफर किया था। चैप्टर 5 है द रिच इन्वेंट मनी। ऑफन इन द रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड है उसमें इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। जो स्मार्ट लोग हैं वो बहुत बार आगे नहीं निकलते, लेकिन जो बोल्ड लोग होते हैं वो अक्सर आगे निकल जाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बेसिकली चार टेक्निकल चीज़ों से ही बनी हुई होती है। पहली है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ फाइनेंशियल लिटरेसी या फिर अबिलिटी टू रीड द नंबर्स। ये एक वाइटल स्किल है अगर आप किसी बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट को बिल्ड करना चाहते हैं। सेकेंड है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग जो है वो बेसिकली एक साइंस होती है जिससे कि पैसे ही पैसों को बनाते हैं। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। मार्केट को समझने का मतलब है साइंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। कोई इंसान होता है जो कि किसी चीज़ को बाय कर रहा है और कोई सेल कर रहा है, तो ये जो मार्केट है सप्लाई एंड डिमांड का, इसको समझना बहुत जरूरी है। और चौथा होता है लॉ। लॉ बेसिकली अवेयरनेस होता है सारी चीज़ों को समझने का। हम बहुत बार सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें कि बहुत ही सेफ हो वो और उसमें कोई भी रिस्क नहीं हो, लेकिन सिक्योर इन्वेस्टमेंट में करने का प्रॉब्लम ये होता है कि वो इतने ज़्यादा सिक्योर और इतने ज़्यादा साफ सुथरे होते हैं कि जो उसमें प्रॉफिट होता है वो बहुत लेस होता है, वो बहुत कम होता है। अनफॉर्चुनेटली मेन रीज़न जिससे कि लोग अमीर नहीं बन पाते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि वो हारने से या फिर लूज़ करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जो विनर्स होते हैं वो अक्सर लूज़ करने से डरते नहीं हैं, और जो लूज़र्स होते हैं वो बहुत डरते हैं लूज़ करने से। लेकिन हमें ये भी बात जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सक्सेस। जो लोग फेलियर को ही अवॉइड कर देते हैं वो सक्सेस को भी अवॉइड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर हैबिट। चैप्टर 6 है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। हमें हमेशा काम करना है सीखने के लिए और पैसों के लिए काम नहीं करते थे। रॉबर्ट कियोसाकी ये भी बताते हैं कि जब भी वो एडल्ट से बात करते हैं तो और जिनको ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं तो हमेशा वो यही रिकमेंड करते हैं कि अपने लाइफ का लॉन्ग व्यू देखो, इंस्टेड ऑफ कि आप सिंपली काम कर रहे हैं पैसों के लिए और सिक्योरिटी के लिए। हालांकि ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक सेकंड जॉब लीजिए और जिससे कि आपको कोई सेकंड स्किल सीखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट स्किल्स सक्सेसफुल होने के लिए तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली होती है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, दूसरी होती है सिस्टम को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, और तीसरी होती है आप पीपल को कैसे मैनेज कर रहे हैं, लोगों को कैसे मैनेज कर रहे हैं करती है। ऑथर ये भी बताते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है जितना कि सेलिंग एंड मार्केटिंग है। जो स्किल होती है सेलिंग एंड मार्केटिंग की, वो ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, प्राइमरीली क्योंकि उनके पास फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। आप जितना ही अच्छे होते चले जाएंगे बात करने में, नेगोशिएट या फिर बार्गेन करने में और अपने फियर ऑफ रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए, उतना ही लाइफ सिंपल होता जाता है। चैप्टर नंबर 7 है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। प्राइमरी डिफरेंस रिच पर्सन और पुअर पर्सन में होता है कि रिच पर्सन को पता होता है कि उनको अपने डर को कैसे काबू करना है। जब किसी इंसान ने फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल कर ली है, पैसों को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको संभालना है, वो अगर उसने सीख लिया है, फिर भी उसको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। कुछ कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियली जो लिटरेट पीपल, मतलब जिनको फाइनेंसिस के बारे में काफी कुछ पता है, फिर भी उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। वो 5 रीजन ये है। पहला है डर, दूसरा है सिनिसिज्म, तीसरा है लेजीनेस, चौथा है बैड हैबिट्स, और फिफ्थ है एरोगेंस। रॉबर्ट कियोसाकी ये भी बोलते हैं कि हमें हमेशा अपने आप को पहले पे करना चाहिए और बाद में जितने भी हमारे पेमेंट्स होते हैं या फिर एक्सपेंसेस होते हैं हमें बाद में उनको देना चाहिए, बट फर्स्ट वी शुड ऑलवेज पे आवर सेल्व्स। चैप्टर 8 है गेटिंग स्टार्ट। ऑथर जो है 10 स्टेप्स को बताते हैं अपने पावर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पहला है फाइंड अ रीजन ग्रेटर देन द रियलिटी, द पावर ऑफ स्पिरिट। अगर हमारा रिच बनने का रीजन ये है कि हमें फ्री होकर ट्रैवल करना है दुनिया को और उस लाइफस्टाइल को जीना है जो हमें बहुत पसंद है, जिससे हमें प्यार है, या फिर अगर हम चाहते हैं कि हम जब ट्रैवल कर रहे हैं और जब हम अपनी ज़िंदगी अपने मन मुताबिक जी रहे हैं तो हम यंग रहें, और सिंपली हमें फ्रीडम चाहिए हर बाउंड्री और हर बंदिश से, पर हमें अपने टाइम और अपनी लाइफ पे कंट्रोल चाहिए, और अगर हम चाहते हैं कि पैसे हमारे लिए काम करें, ये एक बहुत मेजर रीज़न या फिर रीज़न ऑफ मोटिवेशन आपको मिलेगा जिससे कि आप अपने लाइफ में एक्शंस ले सकें। ऑथर ये भी बताते हैं कि विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रीज़न और पर्पस एनीथिंग इन लाइफ इज़ हार्ड। अगर आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न या पर्पस नहीं है तो हर चीज़ फिर लाइफ में हार्ड ही होती है। सेकेंड स्टेप है मेक डेली चॉइसेस, द पावर ऑफ चॉइस। नंबर 3 स्टेप है चूज फ्रेंड्स केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन। आपको हमेशा अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल वाइजली चूज करना है। ऑथर ये भी बताते हैं कि उनके पास दोनों तरह के ही फ्रेंड्स हैं, एक ये भी हैं जो कि हमेशा पुअर रहते हैं और दूसरे ये भी हैं जो कि मिलियंस में कमाते हैं हर साल।
लेकिन ऑथर ये बोलते हैं कि उनके पास दोनों ही टाइप के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो दोनों तरह के फ्रेंड से काफी कुछ सीखते हैं। ऑथर ये भी वॉर्न करते हैं कि पुअर और फ्राइटेंड डरे हुए लोगों से और गरीब लोगों से आपको ज्यादातर उनकी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको यही बात ज्यादा बताने में ध्यान देंगे कि कोई चीज जो है अगर आप कुछ करना चाह भी रहे हैं तो वो हमेशा आपको ये एडवाइस देंगे कि ये चीज काम नहीं करेगी। और प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग उनकी इन बातों को मानते भी हैं, तो इसलिए आपको डरे हुए लोगों की एडवाइस को ज्यादातर नहीं सुननी चाहिए। चौथा स्टेप है मास्टर अ फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन, मतलब आप किसी फॉर्मूला को सीखिए और फिर आप नए फॉर्मूला को सीखिए। तो बेसिकली आपके पास पावर होना चाहिए किसी भी चीज को जल्दी सीखने का। अगर आप जो भी कर रहे हैं उससे आप थक चुके हैं और आप इनफ पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको अपने फॉर्मूला को चेंज करने का जरूरत है जिससे कि आप पैसे कमा रहे हैं। वर्किंग हार्ड फॉर मनी एक बहुत ही पुराना ओल्ड फॉर्मूला है जो कि लेटेस्ट मॉडर्न जमाने के हिसाब से काम नहीं करता है। फाइव है पे योरसेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप अपने आप के ऊपर काबू नहीं कर सकते हैं तो फिर आप रिच बनने के सपने को भूल जाइए। इस बात में कोई सेंस नहीं होता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप पैसे कमा रहे हैं और फिर आप सारी चीजों को उड़ा दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। इसलिए ही ज्यादातर लॉटरी विनर्स जो है वो बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं, इवन कि वो मिलियंस में उन्होंने कमाया हुआ होता है सिर्फ लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से, क्योंकि उनके पास बहुत जल्दी पैसा आया और फिर उन्होंने सारे पैसों को उड़ा दिया। सक्सेसफुली अपने आप को पे करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहला चीज़ है डू नॉट गेट इनटू लार्ज डेट पोजीशंस दैट यू हैव टू पे फॉर, मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा कर्ज या उधार नहीं होना चाहिए जिसको कि आपको पे करना है। आपको अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को कम रखना है, आपको अपने एसेट्स को बढ़ाना है पहले, के बाद ही आप बड़े घर और बड़ी गाड़ी लेने के बारे में सोचें। और अपने आप को रैट रेस में अटकाने से आपको अपने आप को बचाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, जब भी आप शॉर्टेज फील कर रहे हैं पैसों को लेके, तो आपको उस प्रेशर को अगर आप प्रेशर फील कर रहे हैं या फिर प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, तो आप इस प्रेशर को कुछ दिन टॉलरेट करने की कोशिश कीजिए। और आप जब भी अपने आप को शॉर्ट महसूस कर रहे हैं तो आपको अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली हाथ लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रेशर फील कर रहे हैं तो उस प्रेशर को आप अपने आप को इंस्पायर कीजिए कि आपके पास न्यू वेज आना चाहिए जिससे कि आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, और उसके बाद आप अपने बिल्स को पे कीजिए। इससे ये होगा कि आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपको एक्स्ट्रा पैसे और ज्यादा पैसे कैसे कमाने हैं यूजिंग योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा वो ये है, और इस पॉइंट को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, कि टीच एंड यू शैल रिसीव द पावर ऑफ गिविंग। इसमें इस पॉइंट में ये चीज एलैबोरेट किया गया है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको पहले उसी चीज को देना होगा। ये रिच डैड की एजुकेशन है। रिच डैड जब भी पैसों को लेकर शॉर्ट पड़ते थे तो वो हमेशा जाके चर्च में पैसे देते थे या फिर अपने फेवरेट चैरिटी में पैसे देते थे। उनका एक रिच डैड का सिंपल आइडिया ये था कि आप जब भी किसी भी चीज़ के लिए शॉर्ट फील करें या फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको वही चीज़ पहले देना है, और आप जैसे ही देंगे तो वही चीज़ आपको वापस मल्टीप्लाइड हो करके आपको वापस मिलती है। और ये बिल्कुल सच बात है, चाहे वो पैसों के लिए हो, एक स्माइल के लिए हो, प्यार के लिए हो या फिर फ्रेंडशिप के लिए हो। ये हालांकि ये बिल्कुल लास्ट चीज़ होता है जो कि एक पर्सन कर सकता है कि जब उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो पहले उसको खुद दे दे, लेकिन रिच डैड के लिए ये हमेशा काम किया है। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी इज ट्रू। चैप्टर नंबर 9 है कुछ टू डूज के बारे में जो कि आपको करना चाहिए, टू डू लिस्ट। इसमें ये बोला गया है कि आप जो भी कर रहे हैं आप उस चीज़ को कुछ टाइम के लिए रोकिए और फिर एक ब्रेक लीजिए और फिर आप असेस कीजिए कि आपके लिए क्या चीज़ काम कर रहा है और क्या चीज़ काम नहीं कर रहा है। अगर आप बार बार एक ही चीज़ को करते जा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं और आप डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है तो आपको उसको स्टॉप करने की, रोकने की ज़रूरत है और आपको कुछ न्यू करने की ज़रूरत है। सेकेंड है लुक फॉर न्यू आइडियाज़। तीसरा है फाइंड समवन हु हैज़ डन व्हाट यू वांट टू डू। आप किसी ऐसे इंसान को खोजिए जिसने वही सेम काम किया है जो आप करना चाहते हैं। आप उस इंसान से टिप्स एंड ट्रिक्स पूछिए ट्रेड करने का। चौथा है टेक क्लासेस, रीड सेमिनार्स, रीड एंड अटेंड सेमिनार। ऑथर ये बताते हैं कि एक गुड डील को फाइंड करना, सही बिजनेस को खोजना या फिर जो राइट पीपल है, जो सही वाले लोग हैं उनको खोजना, जो राइट इन्वेस्टर्स हैं उनको खोजना, ये सारी चीज़ें डेटिंग के जैसी है। आपको मार्केट में जाना ही पड़ेगा और आपको अलग अलग लोगों से बात करना ही पड़ेगा। बहुत सारे आपको ऑफर्स देना होगा, काउंटर ऑफर्स देना होगा, बार्गेन करना होगा, रिजेक्ट करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। ऑथर ये भी बताते हैं कि बहुत सारे जो सिंगल लोग हैं वो घर पे बैठे रहते हैं और वो वेट करते हैं कि उनके लिए फोन बजे। इट्स बेटर कि आप मार्केट जाएं, इवन दो कि वो सुपरमार्केट ही क्यों ना हो।
आप खोजिए, आप ऑफर कीजिए, आप उसको रिजेक्ट कीजिए, आप उसमें नेगोशिएट या फिर बार्गेन कीजिए और आप एक्सेप्ट कीजिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, खोजना, ऑफर, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, ये हर चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ के हर एस्पेक्ट की। ऑथर ये बताते हैं कि जॉग, जो आप जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया को ड्राइव कीजिए, भले ही मंथ में वो एक बार हो, 10 मिनट के लिए ही कीजिए। और ये करने से ऑथर बताते हैं कि उन्होंने कुछ अपने बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ऐसे करने से। ऑथर लास्ट में ये भी बताते हैं क्लोजिंग ऑफ द बुक में कि मनी जो है वो सिर्फ एक आइडिया है। अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आपको अपनी थिंकिंग को सिंपली चेंज करने की ज़रूरत है। हर एक सेल्फ मेड इंसान ने सिर्फ एक स्मॉल आइडिया से ही शुरुआत की थी और उसके बाद उसको बड़ा करता चला गया। सेम अप्लाइज टू इन्वेस्टिंग एज वेल। एजुकेशन और विजडम मनी के बारे में, पैसों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हैं वो उतना बेनिफिशियल होता है। लाइंस ऑफ द बुक ये है कि टेक एक्शन। हम सबको दो गिफ्ट, ग्रेट गिफ्ट दी गई है, हमारा माइंड और हमारा टाइम। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। हर एक पैसा जो कि हमारे हाथ में आ रहा है, सिर्फ हमारे पास ही ये पावर है डिटरमाइन करने के लिए कि उस पैसे से हमारी डेस्टिनी क्या बनेगी। या तो हम उसे बेवकूफ़ों के जैसे खर्च कर सकते हैं और हम हमेशा पुअर रहने को चूज़ कर सकते हैं, और या तो हम मिडिल क्लास वाले लेन में ही रह सकते हैं और मिडिल क्लास जो है वो अपनी लाइबिलिटीज़ में बहुत स्पेंड करते हैं, या फिर हम अपने माइंड, अपने दिमाग, अपने ब्रेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम सीख सकते हैं कि जो एसेट्स होते हैं वो हम कैसे अक्वायर कर सकते हैं। और इस तरह से हम वेल्थ को चूज कर सकते हैं कि वो हमारा गोल हो और वो हमारा फ्यूचर हो। आप और आपके बच्चों का फ्यूचर इसी बात से डिटरमाइन होगा कि आप आज क्या चॉइसेस ले रहे हैं, ना कि कल। दिस वॉज द बुक समरी ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड। और ये बुक मुझे बहुत पसंद आई पढ़ने में भी। मैंने ये बुक काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको भी मेरी ये बुक समरी पसंद आई होगी। और आपके जो भी सजेशन है, फीडबैक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू ऐड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं।